नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इसका जो विस्तार है इस संक्रमण का, वो पहले वाले वायरस से दुगनी तेजी से लोगों को अफेक्ट कर रहा है। और पिछले 24 घंटे के अंदर आईसीयू में भर्ती होने वाले रोगियों की संख्या 90 हो चुकी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो रही है। मंगलवार को मंत्रालय ने मॉनिटरिंग के अनुसार जो आंकड़े जारी किए हैं कि पिछले 24 घंटे में लगभग 90 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और कहीं से भी ओमान में कोविड-19 का जो संक्रमण है वो घटता हुआ नहीं दिख रहा है, जिसके लिए सुप्रीम कमेटी को एक से बढ़कर एक निर्णय लेना पड़ रहा है। 8 अप्रैल रात में 12 बजे के बाद सभी यात्रियों के लिए बैन लगा दिया गया है। केवल ओमान के निवासी या फिर जिनके पास ओमान का रेजिडेंस कार्ड हो वे लोग ही एंट्री कर सकते हैं रात में 12 बजे के बाद 8 अप्रैल से। पब्लिक अथॉरिटी फॉर सिविल डिफेंस एंड एम्बुलेंस ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि डोफार गवर्नमेंट में एक इंडस्ट्रियल एरिया में आग लग गई और बिना किसी के चोटिल हुए फायर फाइटर्स की टीम ने काफ़ी कुशलता के साथ इस आग पे काबू पा लिया है। सभी श्रमिकों को वहां से पहले निकाल लिया गया सुरक्षापूर्वक, फिर उसके बाद से फायर फाइटर्स की टीम ने आग को पूरी तरह से बुझा दिया। हायर एजुकेशन मंत्रालय ने उन व्यक्तियों के लिए चेतावनी जारी किया है, उन संस्थानों के खिलाफ चेतावनी जारी किया है जो लोग गलत विज्ञापन दिखा करके बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जो बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं उनको गलत विज्ञापन दिखा करके यदि कॉलेज या संस्थाएं अगर ऐसा काम करती हैं तो उन कॉलेजेस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन। मस्कट म्यूनसिपालिटी ने गतिविधियों के बंद होने पे कुछ स्पष्टीकरण जारी किया है कि देखिए, जो जिम है, जो खेल के जो हॉल हैं और जो फिटनेस क्लब हैं, ये सबको अभी बंद रखने का निर्देश सुप्रीम कमेटी से मिला है। यानी कि जब तक सुप्रीम कमेटी का अगला आदेश नहीं आ जाता, ये जिम हो गया, फिटनेस क्लब हो गया, जो खेलों की गतिविधियां हैं वो अभी भी बंद रहेंगी। तो प्लीज़ अपना जो भी एक्सरसाइज है अपने घरों में कीजिए, क्रिकेट वगैरह बाहर मत खेलिए, क्योंकि ये एक तरह से सोशल गैदरिंग में सुप्रीम कमेटी इसको काउंट कर लेगा और इस तरह की गतिविधियों में जो लोग संलग्न होंगे उन लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि 18% कम मामले 2020 की तुलना में अभी दर्ज हुए हैं। 2020 में लगभग 28,000 के मामले दर्ज हुए थे और इस साल लगभग 23,831 मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि 18% कम है। ओमान समाचार एजेंसी ने अपने बयान में बताया है कि जिन व्यक्तियों की नौकरी चली गई है और उनके ऊपर यदि कोई जुर्माना है तो उनसे सख्ती नहीं की जाएगी, क्योंकि वो आखिर वो जुर्माना कहाँ से पेड करेंगे। फ्रेंड्स, यही छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ओमान से जुड़ी हर छोटी से बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।